हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आपके लिए रिवीजन वर्कशीट लेकर आए हैं मैथ की। सो आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। सो आज ही रिवीजन वर्कशीट, इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, एवं जो आपको रिवीजन कराया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है पहले से, उन सब चीज़ों को समझिए और आप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन है, विच मंथ है 30 डेज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओके, और इन 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपका सही है। वैसे मंथ तो कई होते हैं, 30 डेज के, 31 डेज के, तो 29 भी होते हैं, 28। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कौन से मंथ 30 डेज का है, ओके। तो ये आपका आंसर शीट, आपका आंसर शीट ये ऐसा रहेगा। नंबर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह क्वेश्चन नंबर उसमें होंगे। तो आपको जो आंसर सही लगता है आप 4 ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपको ABCD इसके रूप में आपको जो आंसर आपको सही है तो 1 नंबर के साथ में, 1 नंबर में ए सही है तो ये लिख सकते हैं, बी सही है तो बी लिख सकते हैं, सी तो है। इस तरह आप वहां पर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड किया गया है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मंथ है 30 डेज। तो ऐसा कौन सा महीना है, फरवरी, अप्रैल, मार्च एंड जुलाई में जो 30 डेज के हैं। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि 31 डेज कितने मंथ है, 30 डेज के कितने मंथ है। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर कितने डेज होते हैं, 30 डेज के। और इसके अलावा जो होते हैं वो 31 डेज के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 30 डेज के होते हैं। बाकी जितने मंथ होते हैं वो 31 डेज के, केवल फरवरी को छोड़कर। फरवरी क्या होता है, 28 डेज के, 29 डेज का होता है ना। सो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को 30 डेज पूछा है, तो 30 डेज देखते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में कौन सा मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पर फरवरी, अप्रैल या अप्रैल लिखा हुआ है ना। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर तो दिन क्या थे, मार्च, जुलाई क्या हो गया, 31 डेज के, 29, 28 डेज के हो गया, और ये कितने डेज का हो गया, 30 डेज का। सो राइट आंसर इज बी, सो स्टूडेंट बी राइट किया बी। तो हमने वन क्वेश्चन के सामने क्या लिख दिया, बी, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर ऑफ लेग्स फॉर 5 काउज। तो यहां पर काउ यानी गाय, गाय के पैरों के बारे में पूछा है कि अगर एक गाय, गाय के पैर कितने पैर होते हैं, आपको पता है ना कितने होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। सो यहां पर पूछा है 5 काउज, तो 5 गायों के कितने पैर होते हैं, 4 को 5 बार ऐड कर दो या 5 को टेबल पर दो 4 टाइम्स, है ना, 5 4 को 5 बार ऐड कर सकते हैं या कि आप टेबल पढ़ सकते हैं 5 का 4 टाइम्स। तो चलिए टेबल पढ़ते हैं, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 5 4 20। सो स्टूडेंट आवर राइट आंसर इज 20। तो ए 16, बी 25, सी 20, डी 10। तो हमारा कौन सा सही आंसर है, 20, क्योंकि 1 काउ है 4 लेग्स, सो 5 काउ है 20 लेग्स, सी नंबर, सो बी राइट है सी। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हमने सी दिया। जो भी आपको आंसर लगता है कि ये आपका सही है, आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसको आपके आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर के सामने आपको लिखना है जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड किया गया है, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर जस्ट बिफोर 99 इज, तो 99 के पहले कौन सा अंक आता है, है ना, जैसे 99 के बाद कौन सा हो गया 100, एंड 99 के पहले कौन सा अंक आता है, ये आपको लिखना है। सो 99 के पहले कौन सा आता है, 9 तो वही रहेगा, 10 का वैल्यू 10 वही रहेगा, लेकिन 9 1 का वैल्यू क्या है, 1 माइनस हो जाएगा, सो 9 एंड 8 98। तो
99 के पहले कौन सा आता है, संख्या आती है 98। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा नंबर है 98 का नंबर, ए 100, बी 989, 989, सी 89। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो ही गया है ना, क्योंकि 9 पहले रहेगा और 8 बाद में, 98, डी 98। सो आवर राइट आंसर इज डी, तो स्टूडेंट विल राइट हियर डी। ओके, क्वेश्चन 4, द नंबर हैविंग 1 इन द 100 प्लेस, तो 1 इस ऑप्शन में हमको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 1 इस प्लेस में हो, 100 प्लेस, तो 1 स्टैंड्स 100,000, 10,000 के तो सब आपको पता है ना। सो देखते हैं कि 1 100 प्लेस में कौन सी संख्या में, 1 क्या है 100 प्लेस में है, 1 10 100 जी, ओके 1000, तो 7132, तो ये क्या है, 1 क्या है हमारा 100 प्लेस में है नंबर ए में। इसमें देखते हैं बी, 1 10 100 1000, तो इसमें 100 में कौन सा संख्या है, 2 है, यहां पर 1 10 100 1000, तो यहां 100 में कौन सा संख्या है, 2, तो यहां पर देखते हैं 1 10 100 1000, तो 100 में कौन सा संख्या है, 9। सो आवर राइट आंसर इज 7132 नंबर ए। इसमें क्या है, 1 क्या है किस प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो हमको क्या पूछा गया है, 1 किस संख्या में, 100 प्लेस में, तो राइट आंसर ए। सो स्टूडेंट विल राइट हियर ए। ओके, ये क्या होता है, 1 10 100 1000 10000, इस तरह ये बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज, तो एक सम मतलब क्या करना है, उसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो इसमें कौन कौन सी संख्या को ऐड करना है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है, 9, एंड लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999, ट्रिपल नाइन है ना। सो वन डिजिट नंबर 9, यहां पर देखते हैं 9 प्लस वन लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर तो अपना होगा 9, एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 1000, तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है, टू डिजिट नंबर कौन सा हुआ, 10। चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए, 9091, तो आंसर क्या है 19, तो 19 देखते हैं कौन से नंबर में है, ए 19, बी 100, ए सी 10, डी 109, सो राइट आंसर इज ए नंबर 19। सो स्टूडेंट विल राइट हियर ए। ओके, तो इसी तरह ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मंथ लर्न करिए, कौन से मंथ किस कितने डेज का होता है, 30 डेज से कौन कौन से मंथ होते हैं, 31 डेज से कौन कौन से मंथ होते हैं, है ना, और 29 या 28 डेज का होता है, एक मंथ होता है फरवरी, आप यहाँ पर एडिशन संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो आपको पढ़ाया गया, जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं उनको सब आप सॉल्व करिए, फिर ये है 1 10 100, इसको आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये सब चीज़ें आप सॉल्व करिए, क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपने, रिवीज आप पहले बार रिवीजन वर्कशीट में, और सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके, और आपको जैसे 1 का एग्जाम दिया जाएगा, बी 2 का सी 3 का डी 4 का ए 5 का ए, जो आपको ऑप्शन सही लगता है ए बी सी डी में, आप सिर्फ उसको ए बी सी डी में लिखेंगे है ना, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एवं अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं चेंज करके, तो आप उसको कॉपी में सॉल्व करिए। थैंक यू।